गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन, राइट? ओके, एंड डूइंग योर स्टडीज रेगुलरली, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, याद है कि नहीं? जीके में, यस. सो वी हैव डन अवर चैप्टर नंबर 7. कौन सा, क्या नाम था? यंग वंस ऑफ एनिमल्स, है ना? तो जो एनिमल्स के जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, दैट वी हैव लर्न्ड, राइट? नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी विल डू, ओके, वी विल डू द एक्सरसाइज जो हमारे टेक्स्ट बुक में, ओपन योर टेक्स्ट बुक, उसमें आप पेज नंबर 14 में यू कैन सी, देखो, है ना? इसमें यहाँ पे ये जो नीचे मैच दिया हुआ है, मैच द कॉलम ए विथ बी, ठीक है, उसमें एनिमल्स के जो यंग वंस है ना, सो देयर नेम्स आर गिवन हियर. तो उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट द नेम एंड राइट हियर इन द ब्लैंक्स गिवन, ठीक है? यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है उसमें आपको लिखना है. इट्स वेरी सिंपल, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक, देन पेंसिल, टेक पेंसिल इन योर हैंड, इरेजर भी साथ में रखो, अगर गलती हो गई तो आप, है ना, इरेज भी कर सकते हो. एंड स्टार्ट विथ मी, ओके, राइटिंग हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट हियर. सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, मैच द कॉलम्स, ओके, विथ ए बी, राइट? सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे साइड में मैंने भी लिखा हुआ है, जस्ट एज इट इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में जैसे भी लिखा हुआ है ऐसा ही मैंने भी यहाँ लिखा है. हियर यू हैव टू राइट, इसके सामने जो दिया हुआ है डैश, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट? सो फर्स्ट वन यू कैन सी, वॉट इज दिस? फर्स्ट वन अ बिच. अभी बिच के बच्चे को क्या बोलेंगे, यंग वन, क्या बोलेंगे? हाँ, पप्पी बोलेंगे ना. आपके घर में है कि नहीं छोटा सा पप्पी, है ना? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पप्पी. तो यहाँ पे यू हैव टू सी वेयर इट इज रिटन, यस, हियर इट इज रिटन PUPPY. तो इन द फर्स्ट डैश यहाँ पे ये बीच के सामने आपको लिखना है पप्पी, ओके? सो आई एम ऑल्सो राइटिंग हियर एंड यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग पप्पी, राइट? हो गया. अभी नेक्स्ट अ शीप. अभी शीप के बच्चे को क्या बोलेंगे? हाँ, शीप क्या देती है, याद है कि नहीं? हाँ, वूल देती है ना, वूल, तो जिससे स्वेटर बनता है. तो उसका जो छोटा सा यंग वन होता है, बेबी होता है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसमें से ढूंढो, चलो. हाँ, ये रहा लास्ट में लैम्ब, है ना? शीप, शीप के बच्चे को लैम्ब बोलेंगे, राइट? आपने वो पोएम सुनी होगी ना, केजी में आती थी, मैरी हैड लिटिल लैम्ब, याद है, है ना? हाँ, तो वही वाला लैम्ब हम यहाँ लिखेंगे, एल ए एम बी. हो गया, सेकेंड वन कंप्लीटेड. नाउ नंबर 3, अ काउ. अभी काउ के बच्चे को क्या बोलेंगे, गाय. काउ आती है ना आपके घर के सामने, देखते हो ना, तो उसके उसका जो बेबी होता है छोटा सा प्यारा सा, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो वो भी सी से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पे ढूंढो, काफ, कब, केचिक, क्या आएगा? हाँ, सी एल एफ, काफ. एल विल बी साइलेंट, एल की आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ ऐसे बोलेंगे काफ, राइट? तो यहाँ पे थर्ड नंबर में राइट ऐसे लिखो, काफ, सी ए एल एफ, काफ. हो गया. नाउ नंबर 4, अ मेयर. एम ए आर ई, मेयर. मेयर मतलब जिसको गुजराती में, अरे सॉरी, घोड़ा बोलेंगे, और फीमेल वर्जन में घोड़ी आएगा ना, तो मेयर, एम ए आर ई. तो उसका जो छोटा सा बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, डिड यू रिमेम्बर, याद है? हाँ, तो उसको बोलेंगे हम, वेयर इट इज मेयर, फोल आएगा, हियर, हियर इट इज एफ ओ ए एल, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ओ ए एल, फोल. क्या? फोल, ओके. यू हैव टू रिमेंबर, अ मेयर का यंग वन कौन है? फोल, एफ ओ ए एल. अ हैन. अभी हैन के बच्चे को क्या बोलेंगे? छोटे छोटे प्यारे प्यारे चिक होते हैं ना,
है ना, तो क्या बोलेंगे हम, चिक। ओके, तो इट ऑल्सो स्टार्ट्स विथ द लेटर सी। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कहाँ है, ये काफ है, कब है, ये क्या है, ये रहा सी एच आई सी के चिक। तो यहाँ पे अहन के सामने हम लिखेंगे सी एच आई सी के चिक, हो गया कंप्लीट। नाउ कम्स सिक्स नंबर, अ लायनेस। अभी शेरनी के बच्चे को क्या बोलेंगे, याद है राइट? हाँ, सबको याद है, अब तो सब पढ़ाई करने लगे हो ना। तो लायनेस के बच्चे को, शेरनी के बच्चे को क्या बोलेंगे, वो भी सी लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो यू कैन सर्च फ्रॉम हियर, यहाँ से ढूंढ सकते हो, ये रहा सी यू बी कब, है ना, कप नहीं कब, सी यू बी कब राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे सी यू बी कंप्लीट। नाउ लास्ट वन, व्हाट इज दिस, अ कैट। ओ कैट, सबको पसंद है ना कैट, कैसे बोलती है, म्याओ, आती है ना आपके घर में रोज कैट। हाँ, तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं यंग वन, उनको क्या बोलते हैं, याद है? तो इट स्टार्ट्स विद द लेटर के। के से कौन सा है यहाँ पे, यू कैन, ये रहा के आई डबल टी ई एन किटन, क्या है, किटन, ठीक है, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको हम किटन बोलते हैं। ओके, अ कैट किटन। तो आई एम राइटिंग हियर के आई डबल टी ई एन राइट। और ये जो भी हमने लिखा फर्स्ट लेटर, इट शुड बी कैपिटल, कैपिटल ही रखना। ये जो हमने फर्स्ट लेटर लिखा है ना, पपी, लैम्ब, काफ, फोल, चिक, कब, किटन, तो इट शुड बी स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर। ओके, स्मॉल से नहीं स्टार्ट करना राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मैचिंग कंप्लीट हो गया और हमारा ये चैप्टर नंबर 7 यंग वंस ऑफ द एनिमल्स वो भी कंप्लीट हो गया राइट। अभी व्हाट यू हैव टू डू, आपकी जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लो राइट, विद गुड एंड नीट हैंड राइटिंग, और वन टाइम आप रफ बुक में भी लिख लो, है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए राइट। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अवर न्यू चैप्टर। ओके, टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।